सामने दिशा की पुलिस चेक पोस्ट नजर आ रही है। आजाद कश्मीर ने अधूत ने जी आखिरी चेक पोस्ट है ये चेक पोस्ट है अलवेग ने, इस तो क्या पंजाब ना एरिया शुरू हो जाएगा। शिकरीला बाजार ना प्रॉपर आगाज हो चुके हैं, जैसे कि तसंगी फ्रूट की दुकान नजर आ रही है, मोटरसाइकिल वर्कशॉपा वगैरह ना इधर भी रेहड़ियाँ लगी हैं ना, और अगर रिक्शे खलते हुए हैं देसी मुर्गियां जान लगी हैं मोटरसाइकिल पर, पिंजरे च सेल करने वाला बंदा लाके जान गया। अगे सबील लगी है, चंग सामने पुल नजर आवन लगी है, ये पुल बन लगी है क्योंकि सामने फाटक है जिथे ट्रेन गुजरनी है, और जिस टाइम ट्रेन गुजरनी है तो फाटक बंद हो जाना, इस टाइम भी फाटक बंद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं अमर हाँ, तुम अपना यूट्यूब चैनल अमर वकास ऑफिशियल तकन गए हो, उम्मीद करना सारे भैन भरा ठीक ठाक उसो। अल्लाह के मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला तुसेंगी डेरू खुशियां नसीब फरमाए, अल्लाह ताला तुसेंगी दुआ जाना च कामयाबियां ता फरमाए। इस नेक दुआ नाल अज नी वीडियो ना आगाज करने हैं। अज मैं इस टाइम मौजूद हाँ जातला एड पर, जैसा कि तुसेंगी मेरे बैग ते जातला एड आला पुल नज़र आ रहा उसी, पुराना पुल जड़ा बने है, पाकिस्तान बनने तो पहला ना पुल है, बने हैं तकरीबन अंग्रेजा ने दौर ना पुल बने हैं, वो पुल तुसें पीछे नज़र आ रहा है, और मेरी दाएं तरफ जेल पर नहर गुजरनी है पई। आज नहीं जड़ी मेरी वीडियो है, ये वीडियो मैं बना लगा जातला तू लैके तो सराय आलमगीर बाजार तक नहीं। आज नहीं इस वीडियो च इंशाल्लाह मैं सारा कुछ तुसा शेयर करसा, जितने एरिए रास्ते च आवणगे, और मैं कोशिश करता जो खूबसूरत खूबसूरत एरिए ने वो सारे चैनल में इस वीडियो शेयर करा, और इंशाल्लाह तुसेंगी रास्ते च मालूमात भी देसा कि रास्ते जड़ियां जगह आवनियां उन्होंने बारे में दसांगी। जी अज मैं वीडियो बना लगा ये स्पेशल रिक्वेस्ट पर वीडियो बना लगा, ये रिक्वेस्ट आई सी यूके तो प्यारे जे एक भाई ने सरफराज अशरफ साहब उन्होंने तलक मीरपुर नाल है, उन्होंने क्या सी कि इस एरिए ने वीडियो बना के शेयर करो, तो इंशाल्लाह उम्मीद कर सकते आज ने मेरी वीडियो पसंद आवसी। वीडियो शुरू करने से पहला सारे भैन भरावान एक छोटी जी रिक्वेस्ट है, जिन्हें अजे तक मेरे चैनल की सबसक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल की सबसक्राइब कर छोड़ो, नाल बैल आइकन लाजमी प्रेस करो। हूँ चलने तो वीडियो ना आगाज करने हैं। मैं जातला एडनी तरफों आ रहा, और जड़ी रोड सराय आलमगीर जानी है इस रोड पर सफर करन लगे हाँ। मेरी बाएं तरफ संग पेट्रोल पंप नजर आवन लगी है, इस रोड पर नया पंप बने हैं, और ये रोड जड़ी है ये भी तकरीबन एक साल इसकी कंप्लीट हुए हैं। इस तो पहला जो रोड सी बड़ी खस्ता हालत भी सी, अगर गल की जाए मौसम नहीं तो माशाल्लाह मौसम इस टाइम बहुत ही खुशगवार है, क्योंकि आज सुबह बारिश हुई है जिसने वजह से मौसम काफ़ी खुशगवार हो गया, और जैसा कि सारे पाकिस्तान में बारिशों का सिलसिला शुरू है, वक्फे वक्फे तो सावन लगे है, वक्फे वक्फे तो बारिशा होनी जांदियां,
माशाल्लाह बारिशों की वजह तो हर तरफ ग्रीनरी है, रोड ने दो तरफ से सन नजर आ रहा है और इस टाइम आसमान तो है काले काले बादल छाए, मुमकिन है थोड़ी देर तक दोबारा बारिश आ जाए। मेरी दाएं तरफ तो संग नीचे नहर नजर आवन लगी है जी, गुजरन लगी है जेलम पर नहर, ये सराय आलमगीर तक असर नाल ही रहसी रोड नी दाएं तरफ और कभी रोड नी बाएं तरफ हो जैसी। जातला दी तरफ आओ तो सब तो पहला रास्ते विच जरा ग्रां आना, इस ग्रां का नाम है अली बेग, जरा मेरी इस टाइम बाई तरफ तुसेंगी नजर आ रहा है ये शुरू हो गया। ये बड़ा पुराना और तारीखी ग्रां है, इस ग्रां विच एक बड़ा पुराना गुरुद्वारा मौजूद है, इंशाल्लाह आने वाले दिनों में इस गुरुद्वारे ने भी वीडियो बना के तुसा सारे भैनों भरावों नाल शेयर कर सा। बारिशां काफी होने की हैं जिस वजह तो इस टाइम हर जगह पर पानी है जमीन च, जैसे कि तुसें कि मेरी बाई तरफ नज़र आ रहा सी जमीन जड़िया पानिया नता रही हैं। सामने तुसें कि पुलिस की चेक पोस्ट नज़र आ रही है, आजाद कश्मीर ने अदूत ने जी आखिरी चेक पोस्ट है, यो चेक पोस्ट है अलवेग ने, इस तो अगे पंजाब ना एरिया शुरू हो जाएगा। पुल जरा जिस पर मैं गुजरन लगे हाँ ये पुल आजाद कश्मीर में आना, इस तो पहला जरा पुल सी लोहे ना बनया सी शायद तुम तो नज़र आ रहा है इतों मेरी दाएं तरफ है। जगह तो पंजाब शुरू हो जाना है, आजाद कश्मीर हदूद ना इख्तिताम हो चुका है, हूँ अगर पंजाब में हदूद शुरू हो गई है। अगर तुसेंगी मेरे नज़र आ रही सी ये शकीला नी चेक पोस्ट है, ये पंजाब नी जो एंट्री पॉइंट है उसकी पहली चेक पोस्ट है। साइड रोड नी काफी खस्ता सूरत हाल है जैसे कि तुसें नजर आ रही है। शकरीले तक तकरीबन रोड इसे तरह ही है, उस अगू जाके नई रोड बनी है। पंजाब ने जिस टाइम हदूद शुरू होनी है तो पहला जरा शहर है वो एक छोटा जहा शहर है शकरीला वो आना है, हम तकरीबन जिस जगह असि जान लगे हैं इतों तकरीबन अद्धा किलोमीटर है, अगे जाके शकरीला बाजार शुरू हो जाएगा। जेलम उपर नहर अगर गल की जाए तो तुम्हें नजर आवन लगी है
इस टाइम काफ़ी पानी है इस नहर के अंदर और मैला पानी है क्योंकि बारिशों का सिलसिला शुरू है जिसकी वजह से कांगा वगैरह आनिया ने पानी वगैरह उगा के सारा नहर के अंदर ही शामिल होना है। मेरी बाई तरफ चंगी झोपड़ियां नजर आवन लगे न और बाड़ियां वगैरह इन्हें बना के रखी है ना बाड़ियां वगैरह सेल करने ना जेडे इतने मकामी या कुछ लोग दूर दराज तो इन्हों को झाड़ू वगैरह लगा के जाने ने खरीद के शकरीला बाजार ना आगाज हो चुका है। सब तो पहला पेट्रोल पंप आना है उस दुकाना वगैरह शुरू हो चलिया ना शकरीले बाजार में वीडियो आर एडी मेरे चैनल पर मौजूद है जिस किसी भैन भरा तक नहीं हो तो वो तुसी मेरे चैनल पर जाके तक सकने हो। शकरीला बाजार ना प्रॉपर आगाज हो चुका है जैसे कि तुसेंगी फ्रूट की दुकान नजर आ रही है मोटरसाइकिल वर्कशॉपा वगैरह ना इधर भी रेहड़ियां लगी हैं ना और अगे रिक्शे खलते हुए हैं एक रोड सामने जानी है ये रोड काफ़ी पुरानी रोड है और काफ़ी टूटी है असी इस पुल वाली इस तरफ जासा ये पुल भी नया बने हैं तो इस साइड वाली जी रोड है भी नहीं बनी है ज़्यादातर ट्रांसपोर्ट जी इस टाइम इस रोड भी इस्तेमाल करनी है। शकीला बाजार इस पुल तो पार ही है जेड़ा खत्म हो चुके है सामने मेरे ट्रक लगा होना है मेरी दाएं तरफ शकरीला ग्रां है देसी मुर्गियां जान लगियां ने मोटरसाइकिल पर पिंजरे च सेल करने वाला बंदा लैके जान गया अगे सबील लगी है दस मुहरम हवाले न जूस वगैरह देन गए न इतने मकामी बंदे माशाला रोड दोवें तरफ बहुत ज्यादा खूबसूरती है और ग्रीनरी है इस टाइम हम रोड बाई तरफ हो गई है नहर शायद तुसेंगी नजर आवन लगी है क्योंकि काफी ग्रीनरी है काफी पौधे वगैरह लगे हैं ना अः
ਅੱਛਾ ਫਰੇਮ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਅੱਗੇ ਹੈ ਇਸ ਫਰੇਮ ਨਾਲ ਡੋਰੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸ਼ਤੀ ਜਾਣੀ ਹੋਣੀ ਸੀ ਕਿਸੇ ਦੌਰੀ ਚ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਧਰ ਪੁੱਲ ਦੂਰ ਸੀ ਮੁਕਾਮੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਰਾਰ ਪਾਰ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਥਰੂ ਆਉਣੇ ਸੀ ਔਰ ਕਿਸ਼ਤੀ ਚ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਰੱਖ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰ ਟੋ ਜਾਣੇ ਸੋ ਤਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੈਦਲ ਵਗੈਰਾ ਪਾਰ ਜਾਣਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਹਲਕੀਆਂ ਹਲਕੀਆਂ ਕੜੀਆਂ ਵੀ ਲੈਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨਾ ਅਗਰ ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਏ ਅਗਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸਾਂ ਕੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਮਰੇ ਵਗੈਰਾ 'ਚ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਮੇਰੀ ਬਾਈਂ ਤਰਫ ਤੁਸਾਂ ਕੀ 10 ਪੁਲੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ ਨਾ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ 10 ਪੁਲੀਆਂ ਹਨ ਨਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰੈਸਟ ਵਗੈਰਾ ਕਰਨੇ ਨਾ ਇਹ ਨਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਦੌਰ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਹੈ ਇਹ 10 ਪੁਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਤੁਸਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਸ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹ ਕਸਬਾ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਔਰ ਕਸਬਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰੇਹੜੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗੀਆਂ ਨਾ ਕਸਬਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਔਰ ਕਸਬਾ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੋਡ ਨੀ ਪਾਰਲੀ ਤਰਫ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ ਹੈਵੀ ਗੱਡੀਆਂ ਨਾਲ ਟਰੱਕ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮਾਨ ਵਗੈਰਾ ਇੱਧਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਰੋਡ ਉੱਪਰੋਂ ਦਾਖਲ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੇ ਖਾਣੇ ਪੀਣੇ ਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਮੇਰੇ ਕਿਹਾ ਰਿਕਸ਼ਾ ਜਾਣ ਗਿਆ ਚੰਗਚੀ ਰਿਕਸ਼ਾ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਨ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੁਛ ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਲਏ ਜੋ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਟਾਂਗੇ ਹੋਣੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨੇ ਸੀ ਤਾਂ ਟਾਂਗੇ ਖਤਮ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਰਿਕਸ਼ੇ ਆ ਗਏ
मेरी दाएं तरफ कनाल सिटी बनना पिया, जैसा कि तुसेंगी नज़र आ रहा मेन गेट कनाल सिटी में। ऑलरेडी वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद है, अंदर पार्क वगैरह नहीं, तो तुसी अगर वीडियो तकना चाहो तो तक सकते हो जाके मेरे चैनल पर। स्टाल लग गया कपड़िया ना, सराय आलमगीर शहर ना आवाज हो चुके है। बस तुसेंगी ब्रेड फोर्ट मॉडल नजर आ रही है, माशाल्लाह क्या बात है जी, बहुत पुरानिया बसा ना, और इस टाइम भी इन्हों की जिन्हें लोगों ने रखी है बड़े शौक ना रखे हैं ने, और बड़िया सजा के रखी है। संग सामने पुल नजर आवन लगे है, ये पुल बन लगे है क्योंकि सामने फाटक है जिथे ट्रेन गुजरनी है, और जिस टाइम ट्रेन गुजरनी है तो फाटक बंद हो जाना, इस टाइम भी फाटक बंद है और काफी ट्रैफिक जाम हो जानी है, जिसकी वजह तो ये पुल बना लगे इनके नेक्स्ट टाइम जरा पुल बनने ना लिखा है, कम से कम ट्रैफिक जाम तो बचा जा सके। तकरीबन 10 से 15 मिनट रोड बंद रखी ने, ट्रेन गुजर के गई है, हम संगी ट्रैफिक नहीं सूरत हाल नजर आवन लगी है। इस रश तो बचने वास्ते पुलना काम शुरू है, और पता नहीं हम कितना टाइम लग सी ये पुल कंप्लीट होने विच। आवाम की सहूलत मयसर उसी गवर्नमेंट की तरफ। इस टाइम शदीद किस्म की ट्रैफिक जाम है, जैसे कि तुसेंगी नजर आ रहा है। ट्रेन की पटड़ी जिस तो ट्रेन गुजर के गई है, अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम असी जीटी रोड पर पहुंच चुके हैं, और सराय आलमगीर बाजार की तरफ सफर अपना तय करने हैं। पे जीटी रोड नेशनल हाईवे है, और इसकी NH5 भी आने ना, ये रोड जी है ये सराय आलमगीर की, गुजरात की और लाहौर की, और इसके अलावा इस्लामाबाद पिंडी की आप मिलाने वाली रोड है। इस तो अलावा मोटरवे भी है जी, इन सारे शहर की आप मिलानी है। ज़्यादातर ट्रैफिक जी है हैवी ट्रैफिक है या छोटी ट्रैफिक, ज़्यादातर इस रोड की इस्तेमाल करने ना। सामने सलाह आलमगीर बाजार आ गया है,